Good morning, dear friends. Today we will again start with our magnetism and matter. And today we are going to learn whatever the point we started yesterday, that is about the Earth's magnetism. So last lecture we have discussed that Earth is itself a big magnet. वो क्यों होता है? तुमने आपको बताया था कि Earth के core में कोर मतलब क्रस्ट में मैग्मा होता है नियर द सेंटर. यहाँ पे मैग्मा होता है. मैग्मा इज एट हायर टेम्परेचर. जैसे उबलता हुआ पानी बोलते हैं ना इसको, वो कैसे दिखेगा? उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो मैग्मा होता है. एंड ड्यू टू दैट मैग्मा देयर इज अ मोशन ऑफ चार्जेस इन हायर एंड हायर नंबर्स. And due to that motion, it creates a magnetic field. So we can consider the Earth to be as a big magnet. At first, let us know some important terms. तो Earth magnet treat करने के लिए हम क्या देखेंगे? वैसे magnet जो है Earth का वो कैसे दिखता है? तो जोग्राफिकली व्हेन वी स्टडी द जोग्राफी, जोग्राफिकली हम लेते हैं दो पोल. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ पोल. स्टडी भी मैंने बताया था, वो मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी. तो वो है आपका ओके. तो ये बन जाएगा आपका एनजी. एनजी का मतलब क्या बन गया आपका? जियोग्राफिक नॉर्थ. और ये बन गया मेरा एसजी. एसजी का मतलब क्या बन जाएगा आपका? जियोग्राफिक साउथ. तो एनजी बन गया मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ, एसजी बन गया मेरा ज्योग्राफिक साउथ. तो भी क्या बन जाएगा यहाँ पे? अगर मैंने सेंटर पकड़ा तो हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ के सेंटर को इस ऐसे डिरेक्शन में एक मैग्नेट कंसिडर करते हैं. सो वी कंसिडर अर्थ एज अ मैग्नेट. वी कंसिडर अर्थ एज अ मैग्नेट. हाउ? वॉट एवर आई हैव शोन ओवर हियर. ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड नेचर में हम उसको कंसिडर करते हैं. और यहाँ पे कंसिडर करते हैं साउथ, यहाँ पे कंसिडर करते हैं नॉर्थ. तो क्या बन जाएगा बेटा? अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो कैसे बन जाएगा? तो ये अगर मैग्नेट है तो फील्ड लाइन अभी यहाँ से और यहाँ से. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फील्ड लाइन आपका ऐसे यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर मैंने मैग्नेट को कंसीडर किया. तो अभी अगर मैंने अंदर मैग्नेट को कंसीडर किया है तो कैसा होता है? ये साउथ है और ये नॉर्थ है. तो जो अंदर मैग्नेट है उसके एग्जैक्टली अपोजिट अपन वॉट एवर वी विल यूज द मैग्नेट. इसीलिए हम जो बोलते हैं के मैग्नेट इफ यू आर कीपिंग इन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट विल रोटेट एंड इट विल बी अलोंग द नॉर्थ साउथ डिरेक्शन. तो वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है मतलब जिस डायरेक्शन में साउथ जाएगा वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल दिखाएगा, साउथ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला मैग्नेट है. अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट बोल रहे हैं, इसको हाइपोथेटिकली हमने कंसिडर किया कि ये कंसिडर्ड दैट ये मैग्नेट अर्थ के अंदर है और हम जो यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट वो अर्थ के सरफेस पे उसको
हम मैग्नेट वो अपना पोल देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो जहाँ पे आपका नॉर्थ पोल कंसिडर करेगा सेटल करेगा वो हम निकले वो उसको उस डिरेक्शन में हम डिरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ डिरेक्शन। एंड जहाँ पे आपका साउथ दिखाएगा दैट विल बी अवर साउथ डिरेक्शन, दैट यू टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो होता है तो हमारा ऐसे होता है। यहाँ से अगर मैंने लाइन निकाला तो यहाँ पे मेरा होता है नॉर्थ मैग्नेटिक, यहाँ पे होता है साउथ मैग्नेटिक। तो थोड़ा सा इसमें आप ये मत करो, कंफ्यूजन मत करो। अंदर वाला मैग्नेट ऑफ कोर्स यहाँ पे साउथ दिखाएगा, यहाँ पे नॉर्थ दिखाएगा, इसके चलते मेरा मैग्नेट नॉर्थ साउथ ऐसे उसको अलाइन करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये नॉर्थ साउथ होगा तो मेरा मैग्नेट एग्जैक्टली ये नॉर्थ ऊपर वाला नहीं दिखाएगा, ऊपर वाला मतलब वो जो है डिरेक्शन वो नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमको कंसिडर करना पड़ता है कि इनसाइड द अर्थ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट एंड ड्यू टू द ओरिएंटेशन विल बी देयर। आपको मालूम है अट्रैक्शन रिपल्शन जो होता है, तो ये होता है। तो एन जी का मतलब क्या बन गया मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ, एस जी ज्योग्राफिक साउथ। और अपना एन एम को क्या बोलूंगा मैं, एन एम विल बी माई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ऑफकोर्स ये पोल होते हैं। और एस एम बन जाएगा मेरा मैग्नेटिक साउथ। दो पॉइंट है, एक है अबाउट ज्योग्राफिक एंड सेकंड इज अबाउट मैग्नेटिक। दिस टू पॉइंट्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। सो मैग्नेटिक नॉर्थ ऑलवेज मेक्स सम एंगल विथ ज्योग्राफिक नॉर्थ। With geographic north, एन जी बोलते हैं इसको बोलेंगे हम एन जी। तो वो जो एंगल है एन एम ने एन जी के साथ जो एंगल किया है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी देखने के लिए इसके साथ वी हैव टू स्टडी स्टिल टू थिंग्स। कौन सा थिंग स्टडी करना पड़ेगा? एक तो है मेरिडियन। मेरिडियन में भी दो पार्ट होते हैं, कौन सा होता है? एक होता है ज्योग्राफिक, दूसरा होता है मैग्नेटिक। तो पहले हम मेरिडियन को निकालने से पहले हम लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ज्योग्राफिकली कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक तो होगा अपना लैटिट्यूड, एक होगा longitude। तो इसके लिए मैं आपके सामने अर्थ का ग्लोब दिखाने के लिए लाया हूं। तो बेटा आप सबको ये ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। यहां पे अगर मैंने इसको बैलेंस किया तो अर्थ ये जो है ये पार्ट इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या बोलेंगे इसको? ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलेंगे। और ये जो पार्ट है बेटा ये अभी दिख नहीं पाएगा इसके अंदर, इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिक साउथ। तो आपको मालूम है अर्थ जो रोटेट करती है तो अर्थ का रोटेशन ऐसे, अगर अर्थ रोटेट करती है तो ऐसा 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 सन के अराउंड रोटेट करती जाएगी। तो ये रोटेशन अर्थ ऐसा परफेक्टली ऐसा नहीं रहती, तो टिल्टेड रहती, इसलिए थोड़ा सा उसको टिल्ट करके दिखाया है। तो अर्थ का रोटेशन और वो मतलब खुद का एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वो चक्कर चक्कर घुमाती है सन के अलावा वो ऐसे रहे। तो अभी ये जो है यहाँ पे आपने ज्योग्राफी में सीखा होगा, ज्योग्राफी में क्या सीखा होगा? यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे
अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू शो यू। यहाँ पे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, आपको मालूम है इक्वेटर बोलते हैं उसको, वो सब तो वो जो है, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद इसके ऊपर वर्टिकल लाइन भी है, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन भी है, उनको ही बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो लैटिट्यूड कौन सा होगा, ये जो पूरा ये है पूरा, इसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, और ऊपर वाला ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं उसको वर्टिकल, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ओके, तो पहले आप इसको बना के ले लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बेटा आपने पूरा कर लिया उसको, तो अभी हम देख लेते हैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो बोला था। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी होती है ऑफकोर्स, वो क्या प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हम इमेजिनरी वो ड्रॉ करते हैं। ये अगर ग्लोब है आपका, तो ग्लोब के ऊपर सॉरी ग्लोब के ऊपर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइंस है उनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। सो नाउ फ्रेंड्स, तो मेरिडियन का मतलब क्या है, तो मेरिडियन मतलब एक प्लेन बनेगा। मेरिडियन आपका कौन सा बनेगा, एक प्लेन बनेगा। तो पहले तो आपका ये जो है, मतलब ये और ये क्या बन गया, ये इक्वेटर बन गया, बराबर। इक्वेटर मतलब ये आपका हाईएस्ट लैटिट्यूड, बड़ा वाला वो उसका ये हो जाएगा ना, लंबा वाला वो बनेगा, वो अर्थ के कैसे करेगा, टू इक्वल पार्ट्स करेगा। तो यहाँ पे भी देखो, ये ग्लोब को भी ऐसे ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सब आपको ये लाइन मिलेगा इसके ऊपर, ये बीचों बीच। तो अभी क्या होता है, तो अभी क्या होता है, आपका जो मेरिडियन है वो इसी प्लेन को बिलोंग करेगा। तो एक प्लेन बन जाएगा आपका ऐसा, इसको परपेंडिकुलर, तो क्या मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं, हाँ और एक प्लेन बन जाएगा आपका रेगुलर जो आप बनाते हो उसको। ओके, तो इसके बीच में एक जो होता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए, तो हमने क्या क्या सीखा बेटा, पहले सीखा हमने नॉर्थ ज्योग्राफिक, बाद में सीखा साउथ ज्योग्राफिक, बाद में सीखा नॉर्थ मैग्नेटिक, बाद में सीखा साउथ मैग्नेटिक। एंड नॉर्थ मैग्नेटिक ऑलवेज मेक्स सम एंगल विथ ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो बेटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कैसे बन जाएगा आपका, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन विल बी एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नॉर्थ विद द ट्रू नॉर्थ। कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं उसका, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नॉर्थ विद द ट्रू नॉर्थ। तो अपना ट्रू नॉर्थ कहाँ चला गया, ट्रू नॉर्थ तो देखो अभी यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ट्रू नॉर्थ तो ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ मेरा कहीं तो भी थोड़ा उससे टिल्टेड चलेगा। तो अगर मैंने ऐसे दिखाया, अगर मेरा ये ट्रू नॉर्थ है ब्लैक वाला, तो रेड वाला क्या बनेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो उसमें जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, वी कैन डिफाइन द डेक्लिनेशन एज वन मिनट वेट फॉर अ व्हाइल, इसको मैं सेटल कर देता हूं। तो हम कैसे बता सकते हैं उसको,
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी, दो डेफिनेशन बना सकते हैं, एक तो जो ये मेरिडियन ने बनाया है, मेरिडियन कैसा है, एक प्लेन है परपेंडिकुलर टू गिवन, मतलब अगर आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन बताना है तो आप कैसे करोगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन, हाँ तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, तो ये एक आपका हो गया और ये एक आपका हो गया, ओके। तो ये वाला है ना, ये उसको ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये परफेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा तो ये ऐसे परपेंडिकुलर। तो बेटा अभी इन दोनों में जो एंगल बन गया है उसको कुछ भी बता सकते, इसको मैंने अगर अल्फा बताया तो ये जो प्लेन है वो भी एक दूसरे के साथ उतना ही एंगल बनाएंगे अल्फा, तो एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है, तो पहले प्लेन से दूसरे प्लेन ने कितना एंगल किया, उतना ही एंगल जितना ये वर्टिकल लाइन ने एक दूसरे से किया, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा भी बता सकते हैं, तो आप लिख के ले सकते हो द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, सो इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकदम, इसको VIMP करके रखो, इसको मैं बोलता हूँ IMP 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया आपका जो है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हम यहाँ पे वो एंगल ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एंगल मेरा अल्फा बन गया, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो उसका और भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, और इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, वैसे ही हम उसको बता सकते हैं इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक साउथ एंड मैग्नेटिक साउथ, जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर बन जाएगा, तो बेटा इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ दिस ऑर्क, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ये बन गया नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो इसके आगे बन जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, तो थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन का इश्यू होगा, तो यहाँ से अगर आपने लाइन बनाया हाइपोथेटिकल, तो यहाँ से एक और लाइन बन जाएगा ऐसा, तो उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक नॉर्थ, तो वो जो एंगल बन जाएगा, और मेरिडियन निकालने के लिए आप ग्लोब के ऊपर उसको दिखा सकते हैं, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्राइम कंसेप्ट्स व्हिच वी आर यूजिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो बेटा आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, सो बेटा जस्ट नाउ वी हैव थॉट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो बेटा अभी हम ये आपका मेरिडियन जो है वह एक्चुअली क्या होता है वो देखें, तो अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम ये कहाँ पे है, आपकी लैटिट्यूड पे है, तो अलोंग द लैटिट्यूड जो है एक है और एक ऐसा है, तो ये क्या होता है, इक्वेटर होता है अपना, जो दो पार्ट बनाते हैं मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ही मैं आपको इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर, व्हाट वी कैन कॉल इट एज, ज्योग्राफिक इक्वेटर,
can call it as geographic equator. And this one is called as magnetic equator. तो यहाँ पे जो geographic meridian and magnetic meridian जो दिया है उसका मतलब क्या होगा? तो फिर इसीलिए हम पोल का नहीं लेते. पोल के बीच में एंगल कैसे देखेंगे वो थोड़ा क्रिटिकल होगा. तो वो डिफाइन करने के लिए ज्योमेट्रिकली और ज्योग्राफिकली वॉट एवर यू कैन डू इट, तो वो करने के लिए हम दो प्लेन कंसिडर करेंगे. तो कैसे प्लेन कंसिडर करेंगे? तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बड़ा वाला लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे हम इक्वेटर. ये बन गया मेरा इक्वेटर. ध्यान से देखो ये बन गया मेरा पूरा इक्वेटर. अभी इक्वेटर का प्लेन कैसे पर कैसे होगा? अभी इस डिरेक्शन में. तो ये अगर मैंने कागज लिया और ऐसे दिखाया तो ये बन गया मेरा इक्वेटर का प्लेन. तो कैसे बन गया? ऐसे बन गया क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड है इसलिए. तो ये बन गया इक्वेटर का प्लेन. किसके? ज्योग्राफिक इक्वेटर. अगर मैं ये नॉर्थ पोल कंसिडर करूँ, मतलब ये मेरा नॉर्थ पोल है ना ऐसा, तो आपको अभी ठीक से दिखाने के लिए देखो. अभी ये मेरा ओरिजिनल नॉर्थ पोल है ये, इसलिए ये बनता है मेरा इक्वेटर. अगर ये मेरा ओरिजिनल नॉर्थ पोल है तो ये बनता है मेरा इक्वेटर, ये जो बता रहा हूँ. लेकिन अगर मेरा नॉर्थ पोल मैंने ऐसे दिखाया, अगर मेरा मैं नॉर्थ पोल ऐसे दिखाया तो अभी मेरा इक्वेटर भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. वो ऐसे ऊपर से आके नीचे जाएगा. कैसे आएगा? ऊपर से आके. यहाँ पे दिखा था आपको मेरा इक्वेटर भी. ये आपका ओरिजिनल इक्वेटर है, ये ओरिजिनल नॉर्थ बताता हूँ. ओके, तो ये इक्वेटर बन गया. तो अभी मेरा इक्वेटर ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे जाएगा. तो मतलब उसका प्लेन तो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, बराबर. तो ये जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये जो मैंने बनाया इक्वेटर ये वाला, ये अपना ये इक्वेटर है. और अगर मैं दूसरा वाला ये नॉर्थ पोल कंसिडर करूं तो जो मेरा बन जाएगा ऐसे वाला, वो मैंने यहाँ पे दिखाया. तो ये बन गया दो इक्वेटर. तो अगर समझो मैं ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ ले लूं और उसको, वो मतलब मेरिडियन हो गया मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी प्लेन अलोंग द लैटिट्यूड, अलोंग द लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड ने जो एरिया स्वेप्ट किया है वो प्लेन बनाया है तो उस प्लेन में बोलेंगे हम मेरिडियन, सॉरी उसको प्लेन को बोलेंगे हम इक्वेटर. तो इक्वेटर में दो टाइप पड़ेंगे. कौन से टाइप पड़ेंगे? एक बन जाएगा मेरा नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ मतलब सॉरी ज्योग्राफिक, और दूसरा बन जाएगा मैग्नेटिक. तो ज्योग्राफिक कैसे चलेगा बताया आपको. जो आपने ज्योग्राफिक नॉर्थ कंसिडर किया है उसके मुताबिक जो इक्वेटर आएगा वो बन जाएगा आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर. और आपने जो मैग्नेटिक नॉर्थ बनाया है उसके मुताबिक जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर. तो द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक इक्वेटर इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन. लिख के लो आपके पास. तो ज्योग्राफिक मेरिडियन का ये क्या है, डेफिनेशन क्या बन जाएगा? तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये जो मैंने बताया दो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन आपका कौन सा होगा? प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक इक्वेटर इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो ज्योग्राफिक मेरिडियन अपना क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन है अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक इक्वेटर. ये बन गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन. और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बन जाएगा बेटा? तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बन जाएगा? सिंपल, जैसे हमने इसका सिखाया वैसे ही इसका ले लेंगे. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बन जाएगा? प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इक्वेटर
प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर आपको बोर्ड पे दिखाना है, इफ यू वांट टू शो इट ऑन द बोर्ड, तो यहां से जो अगर मैं अगर प्लेन ले लूं ऐसा ऊपर वाला, तो ये मेरा पूरा प्लेन बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर मैं सीधा इसके अलोंग ले लूं प्लेन ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं एक पेज ले लूं, आपको करके दिखाता हूं वो, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट वन पेज, उस पेज को लेके आपको मैं करके बताता हूं कैसे आता है। तो सपोज ये मैंने दो पेज लिया। हाँ बेटा, क्या लिया मैंने? दो पेज लिया। ओके, इसको फाड़ लेता हूं। और अभी क्या करता हूं, छोटा वाला लेता हूं, इसके बीच में मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, इसको कट करता हूं और थोड़ा सा जगह बनाता हूं। देखो ठीक से क्या कर रहा हूं मैं, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल चल रहा है अब ये भी, बाकी कुछ नहीं है। और इसके बीच में इसको लगा देता हूं, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, छोटा करके लेता हूं। तो बेटा क्या बन गया? देखो बेटा, इसके बीच में इसको लगाता हूं, समझ गया बेटा, और इनको हॉरिजॉन्टली पकड़ता हूं, समझ लिए बेटा? तो ये क्या बन गया मेरा? अब ये और ये है, ये सीधा चलेगा, ये बन गया मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बन गया मेरा? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये वाला। और ये क्या बन गया? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरा ज्योग्राफिक साउथ कैसे चलेगा? ज्योग्राफिक साउथ ऐसे चलेगा, ज्योग्राफिक साउथ ऐसे चलेगा, ज्योग्राफिक साउथ ऐसे चलेगा। तो मेरा मैग्नेटिक साउथ कैसे चलेगा? साउथ नहीं, नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ ऐसे चलेगा, और मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। और ये देखो, अभी ये दो प्लेन बन गया, तो अभी अर्थ के बीचों बीच उधर दिखा नहीं सकता। तो ये जो दो प्लेन है, अगर आपने कागज यहां पे रख दिया, तो ये बन जाएगा मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये बन जाएगा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है जो ये प्लेन, ये मेरे अर्थ के इक्वेटर, इक्वेटर को, ज्योग्राफिक इक्वेटर को कैसे? परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन जो अर्थ के ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये है हॉरिजॉन्टल है, उसको हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। और उस ज्योग्राफिकल इक्वेटर को जो परपेंडिकुलर प्लेन बनता है, उसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिक मेरिडियन। और एक प्लेन जो क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर है, मतलब अर्थ के ज्योग्राफिक इक्वेटर से कुछ थोड़ा सा एंगल करके बनाया है, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक इक्वेटर। एंड देन मैग्नेटिक इक्वेटर को जो परपेंडिकुलर है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दिस वे द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन विद मैग्नेटिक मेरिडियन, सो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विद ज्योग्राफिक मेरिडियन, और द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस ऑल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो फिर से सब चीज हम रिकॉल करते और इसके आगे दूसरे पॉइंट को जाते हैं। स्टार्ट से हमने क्या सीखा? अर्थ के जो पोल होते हैं साउथ एंड नॉर्थ, उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिक, तो अपना ज्योग्राफिक रेगुलर, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल। हमने ऐसा कंसिडर किया है कि अर्थ के अंदर में एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट की वजह से अर्थ को एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और वो कैसा है? यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर घुसती है, यहाँ से बाहर निकलती है, ये सब उल्टा है क्योंकि अर्थ के अंदर है वो, इसके लिए वो उल्टा रहेगा। तो इसके लिए जहां पे अंदर जा रही है उधर हम साउथ नहीं लेंगे, उधर हम ले लेंगे नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे मेरा नॉर्थ है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ बन गया, यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ बन गया। जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है
उसके साइड में जो ये लाइन बन रही है उसको बताओ मैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसके इस साइड में जो लाइनें बन रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। तो बन गया अभी ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो ये कैसे पता करते हैं? तो जो मेरा इक्वेटर बनता है ओरिजिनली, जो हमने ज्योग्राफिकली बनाया है इक्वेटर, वो बन गया अपना ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो अभी ज्योग्राफिक इक्वेटर कैसे है, ये अपना ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ है, ये उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, उससे बन गया अपना ज्योग्राफिक इक्वेटर ये वाला। लेकिन अगर मैं वो नॉर्थ ना ले लूं और मैग्नेटिक नॉर्थ ले लूं और मैग्नेटिक साउथ ले लूं, अगर वो टिल्ट हो रहा है, अगर वो टिल्ट हो रहा है, तो आपका कहीं पे भी एक दूसरा वाला इक्वेटर बन जाएगा, उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक इक्वेटर, दैट इज माय मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अभी जो प्लेन मेरे ज्योग्राफिक इक्वेटर को परपेंडिकुलर है, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक इक्वेटर इज माई ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये बन गया, ये ऐसे बन गया। तो एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर प्लेन जो बनेगा, ये लाइन है ना, ये प्लेन, इसको परपेंडिकुलर ऐसे जो प्लेन बन जाएगा उसको बोलेगा मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और अभी अगर मैं ऐसा वो ले लूं मैग्नेटिक इक्वेटर, तो उसको भी ऐसा तिरछा लगेगा, वो प्लेन बन जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विथ ज्योग्राफिक मेरिडियन, और द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, और द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विथ द ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। कोई कोई लोग उसको अल्फा से दिखाते हैं, कोई आई से दिखाते हैं, आई और डेल्टा भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दिखाने के लिए कैसे दिखा सकते हैं, तो इससे पहले आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। तो इसको पहले नोट डाउन करो। तो हो गया बेटा, नाउ वी विल गो फॉर हाउ दे विल लुक लाइक। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो कैसे वो दिखेंगे, वो दिखाता हूं। इसके बाद में और भी इंटरेस्टिंग है, वो है एंगल ऑफ डिप, वो भी वेरी इंटरेस्टिंग है, तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो पहले अभी डेक्लिनेशन कैसे दिखाना है वो दिखाता हूं आपको। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, तो मैं क्या बनाता हूं अभी, एक मेरा क्या बनाता हूं, नॉर्थ ज्योग्राफिक बनाता हूं, और उसने बनाया हुआ प्लेन उसको बोलता हूं मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ में बेटा, पूरा 3D है, इसको बोलूंगा मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब यहां से ऐसे वाला दूसरा नॉर्थ मैग्नेटिक ले लूंगा मैं, तो उसका भी एक प्लेन आएगा बेटा, लेकिन वो प्लेन कैसे आएगा, वैसे आएगा, और वो एंगल करेगा इस प्लेन से। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ऐसे उसके साथ एंगल करेगा, और यहां से कैसे दिखेगा, यहां से एक ऐसे दिखेगा, थोड़ा ऐसे इसको टिल्ट करके लेते ना, ऐसे इसको मोड़ के लेते। तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? तो ये दो प्लेन ने, ये दोनों ने एक दूसरे से जो एंगल किया है, ये दोनों प्लेन ने, तो ये मेरा एक प्लेन बन गया। तो अभी इसको बीचों बीच मैंने ले लिया, तो मेरे को एक डायग्राम मिलेगा बेटा। तो कैसे मिलेगा बेटा डायग्राम? तो पहले मैं लोकेट करता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ऐसा दिखा है आपको। तो ये अगर मैंने प्लेन लिया, इसको बोला मैं कौन सा भी एक मेरिडियन, और दूसरे को दूसरा मेरिडियन बोला, बन गया। तो अगर ये ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो यहाँ पे नॉर्थ ज्योग्राफिक दिखाऊंगा, यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक दिखाऊंगा, और ये बन जाएगा मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन,
ये बन जाएगा मैंने मैग्नेटिक मोमेंट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो बट आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके आगे हम जाएंगे एंगल ऑफ डीप के लिए, इसको नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, आफ्टर लर्निंग द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, नाउ विल स्टार्ट विद द अनदर वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर सबको ही आप वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप छोड़ते हो, तो सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मिनट, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल। ऐसा बोर्ड पे नहीं समझेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है दिखाते। तो हमने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कैसे सीखा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हमने सीखा कि एंगल मेड बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन है ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो एक को बोलो आप ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक को बोलो आप मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसके बीच में अल्फा है। तो अभी अपना एंगल ऑफ डीप कैसे निकालते हैं दिखाता हूँ। बाय डेफिनेशन इट इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल। तो बेटा दिखाने के लिए एकदम डिफिकल्ट है, हाँ, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, बाद में मैं आपको लेके आता हूँ। तो बेटा अभी देखो ये मेरा अर्थ है ना बेटा, तो यहाँ पे अगर मुझे फील्ड लाइंस दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा बेटा? तो फील्ड लाइंस जो मैंने बताया था, अर्थ के अंदर मैग्नेट है तो ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आएंगे, यहाँ से भी बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं तो ऐसे बन जाएगा। देखो बेटा सब हाइपोथेटिकल है, तो मेरे को दिखाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप समझ ले लो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द थिंग इज दैट बेटा, ये अगर मैंने अर्थ लिया तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे सब जगह में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे सब जगह। तो यहां पे भी होगा या ऐसा ऐसा ऐसा। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसा रहेगा बेटा, पोल में देखोगे तो अंदर या अंदर जाता हुआ, नहीं तो अंदर से बाहर आता हुआ, नीचे अंदर में साउथ है ना, सो ऊपर वाले के लिए अंदर में साउथ है, तो फील्ड लाइन ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे यहाँ से अंदर। तो कैसे दिखेगा बेटा, देखो ऐसा आके ऐसा जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बल्कि वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल रह जाएगा, है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर इक्वेटर के पास रहते हो आप तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करो, इसको देखो ये जो लाइन है आपको दिख रहा है बेटा, ये जो लाइन है ये इसके अलोंग ही कर सकती है, अभी ये तो पैरेलल है, एक्चुअली वो पैरेलल नहीं रहता है, यहाँ से ऐसा, तो जो टिल्ट हो जाएगा तो यहाँ और नीचे मतलब नॉर्थ और साउथ पोल में उसको टिल्ट रहेगा, समझ रहे हो, टिल्ट रहेगा। तो किसी भी पॉइंट को हम ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि जो मेरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस को पैरेलल ही रहेगा, नहीं बता सकते, हाँ नॉर्थ साउथ दिखाएगा वो, लेकिन आपका अगर इक्वेटर है उसके ऊपर मेरा मैग्नेट कैसे रहेगा, ठीक से ऐसे रहेगा। देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो मैं इक्वेटर के आगे चला जाऊं, इस पार्ट के ऊपर चला जाऊं यहाँ पे, तो थोड़ा ऐसा टिल्ट करेगा, और ऊपर चला जाऊं तो और थोड़ा टिल्ट करेगा, और एकदम नॉर्थ पोल में जाऊं तो ऐसा टिल्ट करेगा। तो जो मैग्नेट हम यूज करते हैं, बार मैग्नेट नहीं तो जो कंपास हम यूज करते हैं अपने लिए, वो कंपास हम वी आर नॉट एबल टू यूज आइदर ऑन द नॉर्थ पोल और ऑन द साउथ पोल।
बड़ा समझ में आया कोई? प्रॉब्लम ये है कि अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे आ, ये देखो ऐसे आके ऐसे चला जाता है, ऐसे, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे चलेगा, तो जो एरिया पोल के नज़दीक है वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा निडल ऐसे नहीं रहेगा, आइदर वो ऐसे रहेगा नहीं तो ऐसे रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द विच पोल यू आर। तो अगर मैं एकदम पोल पे हूँ तो एकदम परफेक्टली नीचे दिखाएगा, क्योंकि उसके अलॉन्ग क्या है, अर्थ का साउथ पोल किधर है, वहाँ पे, तो अपना नॉर्थ पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक, इसमें कन्फ्यूजन मत करो, नीचे अंदर वो साउथ होता है ना, ऊपर वाला साउथ नीचे वाला नॉर्थ, तो साउथ जहाँ पे होता है वो अपना नॉर्थ होता है, क्योंकि वहाँ पे अपना नॉर्थ जोग्राफिक ऑलरेडी है और थोड़ा टिल्टेड अपना साउथ मैग्नेटिक है, साउथ पोल है, तो हम अपना लेते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक, और दो एंगल बनते हैं, एक बनता है मैग्नेटिक जोग्राफिक मेरिडियन, एक बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो एंगल वो उसको डिक्लेरेशन बोल दिया। अभी अपना जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाया मैंने, देखो ऐसा टिल्टेड रहेगा ऐसा, तो अर्थ के सरफेस पे, अभी हम देखो कहां पे है, ऑन इंडिया, तो मैं इंडिया निकलता हूं, तो हमारे यहां यहां से थोड़ा सा ऊपर, यहां पे देखो, यहां पे है, हम यहां पे है ना, थोड़ा सा ऊपर इक्वेटर के, कैसे ऊपर है, तो जो लोग इक्वेटर के ऊपर होते हैं तो नॉर्थ कैसे दिखेगा दिखाता हूं, मेरा जो निडल है वो थोड़ा नीचे झुक जाए, मेरा निडल कैसे बनेगा, नीचे झुक जाएगा, तो अगर यहां पे इस प्लेस में मैं खड़ा हूं और सपोज आगे मेरा नॉर्थ है तो मेरा निडल नॉर्थ ऐसे नहीं दिखाएगा, अगर मैं केरला में हूं तो वो टिल्ट कम रहेगा, मैं दिल्ली में जाऊं तो थोड़ा सा टिल्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूं टिल्ट मतलब ये नहीं, ये देखो आ, ये वाला ये है ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है, वो ये आपके यहाँ आ रहा है, वो टिल्ट नहीं बदलेगा। अगर मैं केरला से डायरेक्टली बीचों बीच जाऊं, केरला के बाद कर्नाटका, बीच में बेंगलोर, बाद में नागपुर, आगे मध्य प्रदेश, आगे जाओ और जम्मू कश्मीर तक जाओ, ऐसा वो लाइन पर नहीं बदलेगा, वो तो ऐसे ऐसे नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे मैं केरला से मतलब अपने इंडिया के लिए बता रहा हूँ, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उसी लाइन में पीछे पीछे जाओगे श्रीलंका में, उसके पीछे अपने ओशन में जाओगे वही लाइन पे, तो जहां पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपका जो निडल होता है मैग्नेटिक निडल, वो कैसे रहता है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहता है, और अगर आप इक्वेटर के आगे जाते हो ऊपर मतलब एक्चुअली हमारे लिए आगे, ग्लोब के ऊपर, ऊपर ग्लोब में कंसीडर करते हो ऊपर या नीचे, तो इक्वेटर से आगे जाते हैं मतलब ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो मेरा ये टिल्ट है, अभी अभी देखो यहाँ पे ये जो टिल्ट है मेरा, एक मिनट आई विल ट्राई टू शो यू परफेक्टली, ये देखो हाँ ये टिल्ट है, अगर मैं ऊपर जाऊँ आगे तो ये मेरा टिल्ट ऐसे होने लगता है, ये टिल्ट आपका ऐसे होने लगता है, और फिर से मैं इक्वेटर का आऊँ तो मेरा निडल का टिल्ट फिर से प्लेन हो जाएगा, हाँ, और अगर नीचे आऊँ नीचे चला जाऊँ साउथ पोल की यहाँ तो ये टिल्ट ऐसे हो जाएगा, अगर मैं नॉर्थ पोल पे जाऊं नॉर्थ पोल पे इसका टिल्ट पूरा ऐसे हो जाएगा, और साउथ पोल पे जाऊं तो साउथ पोल पे मेरे नीडल का टिल्ट पूरा ऐसे हो जाएगा, तो सपोज अभी मैं नॉर्थ पोल पे हूं तो मेरा टिल्ट कैसे दिखेगा, मेरा नीडल ऐसे दिखाएंगी, देन वी हैव टू यूज द वर्टिकल नीडल्स, तो जहाज पे वगैरह आप करते हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल नीडल कभी यूज नहीं करते, उसके लिए वर्टिकल नीडल्स यूज करते हैं, क्योंकि जहाज वालों को कहाँ से कहा जाता है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जा सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना, और कहीं पे भी जा सकते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब दे कैन मूव, तो अगर उनको वैसे मूव करना है तो उनको डेक्लिनेशन के बराबर डिप का भी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, तो मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो ऐसे नहीं बोल सकता ये परफेक्टली ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे हो सकता है नहीं तो ऐसे हो सकता है, अभी थोड़ा ऐसे हुआ तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, ये थोड़ा ये मेरा हॉरिजॉन्टल, इसको बोला मैं हॉरिजॉन्टल, आपको दिख रहा है,
तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसके साथ उसने कितना किया है थीटा किया है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो डेफिनेशन कैसे बन गया एंगल ऑफ डिप का, एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब उस प्लेस में जो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है लेकिन अर्थ के प्लेस पे किस कहां पे भी आप खड़े रहोगे तो वो एरिया तो आपको हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना, तो वो हॉरिजॉन्टल से मेरे मैग्नेटिक फील्ड ने, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल किया है, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप। सो इट इज द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं थीटा। तो वहां पे अपने दो कंपोनेंट पढ़ते हैं किसके, एंगल ऑफ डिप, डिप के एक बोलता है, एक होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट कंपोनेंट वी कॉल इट एज बी एच। तो बी एच क्या है, बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा बनता है आपका बीवी, तो बीवी को क्या बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये दो बन गया। तो अभी बीई और बीएच कैसे दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए अगर मेरा ये ऐसे है बी है तो ये बन जाएगा बीएच, ये बन जाएगा बीवी, इसको बोलते हैं बीवी, इसको बोलते हैं बीएच, ये थीटा बन गया। तो बीएच कितना बनेगा, बीएच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा और बीवी बी साइन थीटा बन गया। तो मेरा टैन थीटा कैसे बन जाएगा, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं, आई भी कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, तो ये बन गया टेन थीटा। तो मेरा टेन थीटा कितना बन गया, बी साइन थीटा मतलब बी वी और बी कॉस थीटा मतलब बी एच। सो मेरा फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। तो अगर टेन थीटा मेरा BV upon BH है तो क्या मैं लिख सकता हूं, BV is equal to BH tan theta, और वहां पे मेरा ये theta रहेगा, और theta क्या रहेगा, theta रहेगा मेरा angle of dip। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी है, first is your angle of declination, पहले तो सब सीख लिया हमने, जो पोल क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक ज्योग्राफी क्या होता है, बाद में हमने क्या सीख लिया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है वो सीखा, बाद में अभी हमने सिखाया भी एंगल ऑफ डिप। तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे आपके हॉरिजॉन्टल से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है, आता तुम्हाला समजण्यासाठी एवढंच मराठीत सांगतो कारण ते इम्पॉर्टंट आहे, दोन मिनटं फक्त मराठीत बोलणार। मी आत्ता खेडला उभा आहे, तो खेडमध्ये माझ्यासमोर कुठेतरी नॉर्थ पोल असेल पण मी एक्झॅक्टली इक्वेटरला नाही, त्यामुळे माझ्याकडे जी फील्ड लाईन चालत असेल ती हॉरिझॉन्टलला पॅरलल नसेल, आयदर ती अशी टिल्टेड असेल थोडीशी जास्ती नाही किंवा ती टिल्टेड असेल। आता प्रोव्हाइडेड मी इक्वेटरच्या वर आहे, आय एम जस्ट अबव द इक्वेटर, त्यामुळे ती नॉर्थ पोलकडे झुकलेली असेल, आता एवढंच मराठीत बोलणं याच्यामुळे बोला एक्सपेक्टेशन करायची नाही, नॉर्थ पोलकडे झुकलेली असेल। सो इफ इट इज, आता आता ठीक आहे, नाऊ विल स्टार्ट, इफ इट इज टुवर्ड द नॉर्थ पोल थोडासा अँगल मिळेल मला, अँड दॅट अँगल विल बी अँगल मेड बाय माय मॅग्नेटिक फील्ड विथ द हॉरिझॉन्टल, अँड दॅट दिस इज माय बी, इतना ज्यादा नाही रे त्या बिना, दॅट इज नॉट दॅट मच ऑफ बी, इट्स स्लाइट, इट्स व्हेरी स्लाइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन युअर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड कहाँ पे है आपका और लॉन्जिट्यूड कहाँ पे है आपका, वहाँ वहाँ के लिए वो थोड़ा थोड़ा टिल्ट रहता है, एंड वो ऐसा टिल्ट भी होता है क्योंकि कहीं पे आप कहाँ पे रह रहे हो उसके मुताबिक वो आपका दैट रोटेशन ऑफ दैट मैग्नेट, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेट दैट ऑल्सो विल चेंज।
सो वर्टिकली ऑल्सो एंड हॉरिजॉन्टली ऑल्सो, बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके जाइए तो वर्टिकल आपका ऐसे साउथ से ऐसा बनके नॉर्थ तक ऐसे, नॉर्थ पे ऐसा रहेगा, साउथ पे उल्टा ऐसा रहेगा, तो उसको वर्टिकल मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं। उसको यूज करने के लिए, नेविगेशन के पर्पज के लिए वो वर्टिकल मैग्नेटिक नीडल वो यूज करते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ डिप। तो बेटा आफ्टर दिस आई विल गिव यू सम सॉल्व प्रॉब्लम्स, जस्ट रीड देम एंड सम नोट्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू, वो नोट्स को रीड करो एंड नोट्स को रीड कर जाने के बाद देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। आई विल सजेस्ट यू, नाउ अगेन द लॉकडाउन हैज स्टार्टेड, सो डोंट कम आउट ऑफ द होम बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग फेज नाउ ऑफ द कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत है। इफ़ यू विल कम आउट ऑफ द होम इट मे बी ना, इट विल बी डेफिनेटली डेंजर फॉर यू। तो डोंट कम आउट ऑफ द होम, वी आर देयर टू सर्व यू बेटर। जो कुछ है आपका डाउट क्वेरी बाकी जो कुछ है व्हाट्सएप पे पूछो, व्हाट्सएप पे हम आंसर दे देंगे 24/7, नो लिमिट फॉर 8 days, वॉट एवर इट इज देयर, नो लिमिट, एट एनी टाइम यू मे आस्क। ओके, ओनली द डाउट शुड बी जेन्युइन, ऐसा ऐसा इधर उधर का डाउट वो नहीं सुनेंगे, डाउट आपका जेन्युइन है, डाउट को कवर कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस। सो बेटा नाउ यू जस्ट नोट दिस डाउन, देन वी विल गो फॉर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ठीक है बेटा, नाउ लास्टली वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूअर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क। यहाँ पे आपको खाली मैं टॉर्क और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ले लेंगे U इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, वेर एम इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका बन जाएगा, और B बन जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी डायपोल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसका क्या बन जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है, उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है, और दूसरे वाला फॉर्मूला बनता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, ये होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये सब सेम है। इसके लिए बनता है एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी बनता है एक्सटर्नल। तो किसी भी डायपोल को अगर मैं प्लेस करूँ, सपोज ये डायपोल है मेरा और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बन गया, डायपोल ने कितना एंगल किया, थीटा एंगल किया, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, तो उसकी वजह से उसका ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है, अंदर अंदर कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ में होता है, तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो एम का डायरेक्शन मेरा ऐसे रहेगा, तो एम कितना एंगल बनता है, इसके लिए इसको साउथ अगर बनाए तो ठीक से मैं पढ़ा पाऊंगा, इसको नॉर्थ बनाए तो यहाँ ऐसा एंगल किया, तो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो उस एंगल को नज़र में लेते हुए आप ये दो फॉर्मूले यूज करके आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन विल गो फॉर वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट कैलोमीटर, थोड़ा थोड़ा उसका हिंट आपको दे दूंगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।